असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमने कैंपिंग कर करके, होल्ड कर करके किल्स पॉइंट, हीलिंग पॉइंट, रिवाइव के पॉइंट सब कुछ उठा उठा के बड़ी मुश्किल से सबर कर करके कॉन्करर कर ही लिया। तो केडी मैंने आप लोगों को दिखाया गाइस, वो इसलिए ना कि कॉन्करर में आप रश नहीं कर सकते। अब कॉन्करर लॉबी में रश करके खेल सकते हैं क्योंकि उसमें आपको माइनस का डर नहीं होता। बट जब आती है बात खुद की रैंक कुछ की, तो आपको बहुत सब्र करके खेलना पड़ता है क्योंकि माइनस जो होते हैं ना, वो आपको कॉन्करर मतलब कॉन्करर के एकदम ऑपोजिट हो जाता है। अगर माइनस करवाते रहोगे रश करके तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो हम लोग शुरू में एकदम सेफ खेलते थे और बाद में जाके एंड जोन में जाके किल्स उठा लेते थे, 4-5 बस ऐसे करके चिकन करके रैंक कुछ। आप लोग कैसे करो गाइस? आप लोग अगर अच्छा स्क्वाड है, लाइक आपको TPP ही खेलना है, तो आप लोग करो एक प्रॉपर स्क्वाड बना के, उसके बाद लाइक जैसे सीज़न स्टार्ट हो ना, पहले वीक में करो क्योंकि उस टाइम इतने बंदे नहीं खेल रहे होते। और पहले वीक में कॉन्करर करना लाइक गाइस मैं बोलता हूँ 90% ईजी होता है, बाकी बाद में करने के, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग खेलने लग जाते हैं और आप सर्वर में पूरा काफ़ी पीछे आ जाते हो। और कॉन्करर के लिए आपको पूरे सर्वर में ना टॉप 500 में आना पड़ता है। जैसे सीज़न स्टार्ट हो आप लोग तब खेलो। अगर आप FPP खेल सकते हो तो FPP में पुश कर लो, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने इसीलिए बस कर लिया ऐसे, बस वो लॉबी में एंट्री वाला मिल जाएगा। हालांकि मेरे पास पहले से टाइटल फ्रेम था, बट मैं फिर भी कर लिया। तो लेकिन एक बात है गाइस, जो मैं आपको सच में बताऊंगा कि कॉन्करर से गेम ख़राब हो जाती है, मेरी भी हो गई है काफ़ी। लाइक मेरे को लगता है कि होल्ड करने से आपकी गेम ख़राब होती है। तो काफ़ी सब्र करके खेला, उसके बाद बाबा जी फाइनली हमने कर लिया। तो हम आपको अब सुना देते हैं सस्ती शायरी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। अर्ज़ किया है कि खाना हमने खाया अफ्तारी में पेट भर के, वाह 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 वाह। खाना हमने खाया अफ्तारी में पेट भर के, कॉन्करर हमने लगाया कैंपिंग करके। सस्ती शहरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो आपका अनोनिमस आपको पता है आपसे झूठ नहीं बोलता, मैंने कैंपिंग की तो मैंने की भाई, मैं बहुत सब्र करके खेला। तो गाइस यहाँ पे पुचिंग में स्क्वाड आया हुआ था हमारे पिंडी में, इन दोनों को हमने डाउन किया। और अब आप ये क्लियर इफेक्ट देख रहे होगे, हाँ तो वो इसलिए गाइस के आपको पता है M4 मैंने कहा था मैं लेवल 4 करके बस कर दूंगा। तो लेवल 4 करनी थी तो मैंने AKM से वो उठाना था, मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल उठाना था। तो इस चक्कर में मेरी AKM भी निकल आई और मेरी जो हमें चाहिए थी M4 वो भी लेवल 4 हो गई। तो बस अब ये गाइस एक गंदा नशा होता है। लाइक अब मैं पहले जब 8 ball खेलता था ना, तो उसमें हालांकि मैं वीक टॉप करके कैश उठा लेता था, बट अब जब पैसे लगाने लग जाते हो ना, तो ये बहुत ही गंदा नशा है। तो मैं ख़ुद से प्रॉमिस किया कि आइंदा मैं नहीं लगाऊंगा। पता नहीं, लेकिन इंसान बहुत बार ख़ुद से प्रॉमिस करके फिर ये काम करने लग जाता है। पीछे हमने अपनी KD ज़्यादा करने के लिए एक बॉट मारा, बाकी मैं कोशिश करूँगा आइंदा वेस्ट नहीं करूँ भाई। अब ये 2 gun हो गई, अब हमेशा ये 2 gun यूज़ करने का ट्राई करूँगा और फालतू नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था M4 लेवल 4 किल इफेक्ट आ जाए, किल मैसेज आता ना गाइस स्क्रीन पर वो आ जाया करेगा बस, और क्या। तो गाइस उसके बाद हमने KD बढ़ाया, बॉट मारा और फिर हम स्कूल, रोजॉक अपार्टमेंट, जॉर्जो पुल, जॉर्जो की सिटी, हर जगह बंदे ढूंढने के बाद यहाँ पर फाइनली आते हैं जहाँ हमें बंदे मिल जाते हैं। और फिर हम एक नेड निकालेंगे, या पहले फाइट ले रहे थे, पूरे स्क्वाड का साउंड आ रहा होता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे नेड फेंका और नेड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा नेड था और एक बंदे को हमने कर दिया डाउन। अब गाइस मैं कर देता हूँ अपना AKM पकड़ के आगे की तरफ रश। तो यहाँ पे मैंने मारा, मुझे समझ नहीं लगी कि वो बंदा अटका हुआ था, जंप कर रहा था, इसलिए मैं पीछे आ जाता हूँ। ठीक है गैस मैं नहीं मारता, और यहाँ पे लोग जंप कर रहे होते हैं तो मैं नहीं मारता इनको। ठीक है, मैंने गन पीछे रख ली गैस, मैं लोगों से बात वगैरह करता हूँ, ये लोग लाइक सलाम दुआ होती है और फिर ये लोग बताते हैं हम कहाँ उतरे थे, मैं बताता हूँ भाई मैं कहाँ उतरा था, और फिर मैं लोगों को बताता हूँ भाई लास्ट में मिलते हैं। ये लोग बोलते हैं भाई हम कपड़े उतार देते हैं, लास्ट में मिलेंगे और लास्ट में जो है ना फिर बातें वगैरह करेंगे, और मैं ऐसे जाने लगता हूँ। ठीक है गैस मैं जाने लगा, बॉट आता है, मैंने बॉट को मारा, इनके किसी टीममेट को नहीं मारा। ठीक है बॉट को मारा, KD बढ़ानी है, और ये देखो मैं किसी को मार भी नहीं रहा था और ये चीज़ हो गई, और फिर मेरा बॉट वाला किल भी चोरी हो गया। तो गाइस अब मीटअप में ना बहुत ज़्यादा ऐसे होने लगा है, यकीन करो मैं नहीं मिलता ना गाइस तो आप लोग को बुरा लगेगा, आप लोग को दुख होगा। देखो मैंने इनमें से किसी को डैमेज नहीं दिया था, किसी को नहीं मारी थी, और ये नहीं है कि मैं लॉबी में लाइक मैच में बात नहीं की, ये मैंने इनके किसी टीममेट को फिनिश किया हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैंने बोला भाई लास्ट में मिलते हैं, और मैं वहाँ से जाने लगा, अल्लाह हाफिज़ बोला वहाँ से जाने लगा और पीछे से मार दिया। तो ब्रो देखो अगर आप लोग को मारना होता है यार, फिर आप फाइट ही लिया करो, ऐसे जंप करके मारने से फिर आप लोग रेड का स्क्रीनशॉट लेके
टिकटॉक पे, फेसबुक पे डाल दोगे ग्रुप्स में कि एनोनिमस को मार दिया, और फिर मारा कैसे होता है वो आप लोग के सामने है। तो गाइस अब मैं मीटअप ना करूँ तो आप लोग बुरा मानोगे, देखो यार मीटअप करने आ रहे हैं और एनोनिमस भाई उनको मार रहे हैं, और मैं मीटअप करूँ तो अब ये ऐसा था, मैं पूरे दिन गाइस रैंक पुश किया क्योंकि अभी हम दोनों कर रहे थे रैंक पुश, तो मेरा हो गया, मेरी टीममेट को कॉन्कर नहीं हुआ, उनके लिए अभी भी खेलना पड़ रहा है। तो वो रैंक पुश करके उसके बाद जो है हम लोग गेम प्ले बनाने आए, और गेम प्ले काफ़ी ट्राई के बाद ना बने, और जब बने तो ऐसे मर जाए तो आपको पता देखो कितना दुख होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे मीटअप नहीं करूँगा, मैं करूँगा भाई, देखो किसी एक की वजह से बाकियों को क्यों सज़ा देनी, मैं मीटअप करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन गैस अगर आप लोग को मेरी ये बात अच्छी लगती है या कुछ भी है ना जो है, तो बस एक एक काम किया करो गैस के, दिल से सपोर्ट करते रहा करो, वहाँ पे सपोर्ट करना जहाँ पे मुझे आपकी ज़रूरत होगी, हमेशा दिल से करना वरना नहीं करना, बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो गैस ऑल माइक पे होता है चैलेंज, एक राणा भैया थे जिनका प्लेन था, उन्होंने सबको बुलाया था जॉर्जपुल, और जॉर्जपुल काफ़ी बंदे आ गए थे। तो गैस एक और बात कि आज के बाद ना अगर आप लोग दिल से सपोर्ट करते हो ना, तो एक हैशटैग हम लोग रखेंगे जो हमेशा इंशाल्लाह चलने वाला है, हमेशा लाइफ टाइम चलेगा, वो होगा दिल से एनोनिमस, हैशटैग दिल से एनोनिमस, बस ये हैशटैग होना चाहिए। लाइक जैसे आप करते हो ना एनोनिमस की पब्लिक, वो तो रहेगा, वो एक आपका प्यार है, लेकिन जो बंदे दिल से सपोर्ट करते ना और लाइक हमेशा करेंगे मेरे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा करेंगे, तो वो ये हैशटैग यूज़ किया करेंगे, हैशटैग दिल से एनोनिमस। तो गैस जॉर्जपुल काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्स आ गए थे, और चैलेंज लाइक सब ने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर हमारे पास ज़्यादा लूट नहीं थी, और यहाँ पे कैसे इम्पॉसिबल सिचुएशन हमने खुद को निकाला वो आप देखोगे। यहाँ पे जब तक इन भैया ने हमें स्पॉट किया, मैंने इनके गैस दो नॉक कर दिए, और इनका बाकी पिछला टीम में डीपी लेके आ रहा है, इनके दो बंदे बचे हैं। वेस्ट मेरे पास नहीं है, हेलमेट लेवल 1 का है, हेल्थ मेरी कम है, एमओ भी गैस मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मुझ पे यहाँ पे हो रहा था रश। अब ये बंदा डीपी लेके आया, मैंने इसको तो कर दिया डाउन। अब गैस मैंने इनके तीन बंदे डाउन कर दिए, सिर्फ एक बचा है, उसके पास भी गन है, वो लाइक उसके पास हेलमेट वेस्ट भी, और वो बचा हुआ है गैस, हेलमेट वेस्ट है पता नहीं है, मुझे नहीं पता, बट डीपी है उसके पास जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है गैस। मैंने यहाँ पर डैमेज दिया, और मेरे पास एमओ भी जो वो ख़त्म होने लग रहा है, फिर मैंने डैमेज दिया, भाई ने भी दे दिया, उनको हेड भी लगा हुआ है, मेरी बिल्कुल 1 HP में यहाँ पे जैसे भागने लगा अटक गया, इसके टीममेट ने जानबूझ के अटकाया वैसे गाइस है ना, और फिर अब उसकी हेल्थ कम है, तो अपने टीममेट से उसको बोला भाई, अपने टीममेट को बोला भाई कवर दो, कह रहे मेरे पास गन ही नहीं है, फिर मैं बोला भाई नेड ही फेंक दो, लाइक खुद से उन्होंने नेड फेंका, और फिर मैं यहाँ पे रिवाइव लूँगा, और नेड गिर जाता है, लाइक उसके आसपास भी गिरा होगा ना गाइस, वो इतना लो था बंदा कि नेड से वो फट जाता, और ये स्क्वाड हो जाता वाइप, और हम लोग लाइक बिना लूट के ये वाला स्क्वाड वाइप करते हैं। अभी भी गाइस काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड थे, और एक स्क्वाड ने गाइस क्या सीन किया, वो आए उतरे, जब देखा ज़्यादा बंदे हैं वो यहाँ से भाग के जाएंगे सिटी, और सिटी लूट करके वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर बॉट भैया अपनी केडी बढ़ाने हैं, जिन्होंने हमें हमारे बाबू भैया हैं उनको मार के केडी बढ़ाने का जो सीन है वो हमने जारी रखा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें नहीं मिला, और फिर इनकी क्रेडिट से करेंगे गाइस लूट, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारे दीपी तुंती, और फिर काफ़ी खुशी भी होगी कि चलो गन तो मिली, गन वन थी नहीं। गन उठाने के बाद थोड़ा सा कंटेनर के ऊपर जंप करूंगा, यहाँ पे टॉमी गन मिल जाएगी, अब एक अरबियों का स्क्वाड पूरा बाकी है गाइज, फिलहाल हमारी उनसे फाइट होने वाली है जो कि जॉर्जपुल में ही है, और थोड़ा सा आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि एक बंदा ना क्रॉस करा होगा टायर से, और मैं उसको मारना चाहता था बट मैं खुद ओपन में था और उसके टीममेट्स का साउंड भी आ रहा था, तो मैं उसको मारा नहीं, मैं टायर के पीछे आया, और मुझे था कि मैं इनके एक टीममेट के ऊपर रश कर दूँ, यहाँ पे खड़ा रहना, राइट से पड़ जाएगी लेफ्ट से पड़ जाएगी, तो मैं भाग के आया, और भाग के आके मैं चला जाऊँगा वेयर हाउस जहाँ पे फाइट लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है पब्लिक। तो बाबा जी हम आगे वेयर हाउस आने के बाद टॉमी गन हमारे हाथ में है, और मैं एकदम राइट पे आके यहाँ से साउंड लेने का ट्राई करूँगा कि कहाँ पर है, उतनी देर में बंदा आ जाता है वेयर हाउस के अंदर। तो सर ने काफ़ी इजी ले लिया था, और फिर हमने सर को यहाँ पे फिनिश किया, अब इनकी क्रेट से लूट करेंगे, और लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस कॉल्ड लूट का नो मजाक, लॉ ऑफ एनोनिमस हमने फॉलो किया, जल्दी जल्दी गए हमने लूट की यहाँ पे, और इनके बाकी टीमर्स को आ जाएगा गुस्सा के, हमारे टीम मेरे को फिनिश किया, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। गैस बारिश हो रही है माशाल्लाह, बारिश हो रही है और आवाज़ें आ रही है पानी गिरने की मेरी विंडो के पास से। तो बाबा जी यहाँ पे हमने मौत को छुआ, टक से वापस आ गए अकाल इस्तेमाल करते हुए, फिर इनकी करेंगे लूट। अब गैस जो स्क्वाड चला गया था वो आएगा वापस, 7 किलो हो चुके हैं, फ्लेयर हमारे पास है, मज़े से करेंगे लूट इनकी पहले, और लूट करने के बाद बाबा जी हम चलाएंगे पिचकारी यानी फ्लेयर, ओ फ्लेयर मिल गई है, देखो गाइस ये 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 ये
फ्लेयर मिल चुकी है, और गैस फ्लेयर एक के पास थी, एमओ एक के पास थी, और मुझे लगा कि मेरे पास दो फ्लेयर हैं, बट ऐसा नहीं था। और फिर हम चलाएंगे पिचकारी हवा में, फिर हमारा आएगा ड्रॉप, और हम पहले से लूट के देखो गैस कितने भूखे हैं, पहले से ड्रॉप में वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर ड्रॉप गिरने वाला, और लूट का कर रहे हैं वेट। फिर हम लूट का बाबा जी नो मजाक उठाएंगे हेलमेट वेस्ट, और आम नहीं चला रहा था गैस में क्योंकि मैं स्कोप नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने आम नहीं उठाया। मैं बोला भाई टीममेट को आप आम उठा लो, मैं जो हूँ वो डीपी और एके चलाता हूँ फिलहाल, लेकिन यहाँ पे मुझे M4 मिल जाती है थोड़ा सा बॉट की क्रेट से, और मैं M4 और AK चलाऊँगा जो हमारी अपग्रेड हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी थोड़ी, और उन्हीं थोड़ी थोड़ी कमर लाइक अपडेट ने ना करने में कमर तोड़ दी हमारी। बस क्या करें गाइस, उतने कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी, और फिर दिल भी करता है बाकियों की देखते हैं ना तो हमारा भी दिल करता है, तो मैं इसलिए कर ली बस। अब इंशाल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, बस आया इंशाल्लाह आइंदा ज़ाया नहीं करूँगा, बस ये दो गन बहुत हैं। और गाइस उसके बाद लाइक एक के तो निकालनी भी नहीं थी, M4 के चक्कर में ना, M4 का मटेरियल निकालने के चक्कर में AKM निकल आई गाइस। यहाँ पे हो जाता है अलग स्क्वाड, और फिर से हम अपनी KD ज़्यादा करते हैं। देखो किल फील्ड में नाम आ रहा ना, ये किल मैसेज ये चाहिए था बस M4 का। तो गाइस उसके बाद बॉट को मारा, KD बढ़ाया, यहाँ पे जो है ना स्क्वाड जो रश कर रहा होता है उन पर हम कर देते हैं रश। बाबा जी सामने गाड़ी के पीछे थे, मैं ऊपर चढ़ के देखा, हमारी फेवरेट जगह है ये भी जॉर्ज में, यहाँ से दोनों साइड पे अच्छा एंगल मिलता है। फिर हम एक नेट फेंकेंगे, यहाँ आते हैं तो नेट से फट जाएँ, फिर दूसरा नेट कुक करके थोड़ा सा आगे फेंकूंगा जहाँ पे वो टीपी भी ले सकते हैं बाबा जी। तब भी नहीं फटते तो बस हमने फिर फैसला किया अपनी AKM लेके करेंगे बाबा जी, दस जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। एक भाई को नॉक किया, फिर दूसरे भैया को भी किया डाउन, अब इन दोनों को करेंगे हम फिनिश, और फिनिश करने के बाद बाबा जी हम वापस से भागेंगे पीछे और फिर स्मोक करके इनकी करेंगे लूट, क्योंकि लूट जब तक क्रेट ना देख लें दिल को सुकून नहीं मिलता कि मतलब क्या है क्रेट में। तो हमने एक फेंका स्मोक, अब बाबा जी उसके बाद जाके टैप 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 करके करेंगे इनकी लूट। अभी तक मैंने लाइक का नहीं बोला गाइस, लेकिन आप लोग जो जो लाइक कर चुके हो वो हैं लाइक वाकई में एनोनिमस की रियल वाली पब्लिक जो लाइक फॉलो करेंगे दिल से एनोनिमस है, मैं बोला करूंगा दिल से एनोनिमस की पब्लिक है, क्या प्यार है हमारा है ना गाइस लॉल। फिर गाइस यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये वो स्क्वाड बचा है उस स्क्वाड का लाइक वो जो जिनका प्लेन था ना राणा जी, हमारे राणा जी बचे हैं सिर्फ, और मुझे नहीं पता था कितने बंदे, तो मैंने टीममेट को बोला भाई आप आगे आगे जाओ मैं आऊँगा पीछे, वरना मैंने नॉक एंड फिनिश होना है, अगर आप नॉक हो गए तो मैं आपको कवर दे दूंगा, तो आप जाओ आगे। तो मैंने अपने टीममेट को एज अ बेट यूज़ किया और उनको बोला आप आगे चले जाओ मैं पीछे से कवर देता हूँ, ये आगे गई हूँ, फिर हम लोग इनके पीछे पीछे जाएंगे, और लेकिन फाइट मुझसे ही होने वाली है 1v1, बेस्ती से हो गई आगे भेज के भी भाई, और हमारे राणा भैया आ गए। फिर हमने आई एम राणा भैया की लूट की बाबा जी, टैप 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 टैप, और इतनी देर में गए देखो पूरा मैच जॉर्ज पुल में गुजर गया ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो है ना यहाँ से जान नहीं छूटेगी, अलग से पूरी गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, और पूरी गाड़ी आ गई तो हमारी बैंड बजने वाली है। फिर हमने एक अकल इस्तेमाल करने का फैसला किया, नेड फेंकेंगे जहाँ से वो आके टीपी भी ले सकते हैं गाइस, ऐसे ही मैं गेस किया कि यहाँ से शायद टीपी भी लें, तो ऐसे रास्ते में नेड फेंक दिए और वापस से भाग जाऊँगा राणा भैया की क्रेट पे, और क्रेट पे भाग के हम उनकी दोबारा से बॉडी चेक करेंगे क्योंकि एक बार हमें तसल्ली नहीं हुई कि कितनी अच्छी लूट है, दोबारा से लूट चेक करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एमो उठा लूँगा, लाइक थोड़ी सी भी देखा मेरी कितनी होगी गाइस 140 और 400 M हो गई मेरे पास लॉल। और फिर गैस मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ऊपर जंप कर रहा था उसको मारने के लिए, इनका एक टीममेट बिल्कुल लेफ्ट वाले कॉर्नर पे आ जाता, मैंने उसको नहीं देखा, और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लेटा, और फिर मैं अलग एंगल ले लूँगा, मेरे टीममेट के पास अलग एंगल है। लेकिन बाबा जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ चुके हैं क्योंकि ये अरबियों का स्क्वाड ऐसे घेर लेगा हमें जैसे भेड़िए किसी शिकार को घेरते हैं ना, वो वाला इन्होंने काम किया। रश हो रहा था, मैंने यहाँ पे डैमेज दिया, मुझे एक को नॉक करना है कैसे भी करके, मेरी टीममेट नॉक हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे इनको नॉक किया, पीछे से हमारे बम में गोलियां पड़ी, हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, और हम मर गए दोनों साइड से। काफ़ी दुख हुआ गाइस, लेकिन काफ़ी टाइट वाला गेम प्ले था, फोर्थ आए थे हम, और अब मैं इंशाल्लाह TPP में एस करता हूँ, कॉन्कर तो मिल चुका है और टाइटल भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा बाबा जी। उसके बाद हम लगाते हैं यूरोप में TDM या हाँ जी ये वो था लाइक एरिना था, और हमने लगाया था उसमें किसमें यूरोप में, क्योंकि मिडल ईस्ट में लाइक थोड़ी सी हल्की लॉबी आ जाती है समटाइम, लेकिन यूरोप में हमेशा ही हार्ड लॉबी आती है। तो इस बार हमारा सामना हो गया, सामने एक कॉन्करर का बंदा है और बाकी कभी लेवल 68 69 71 ऐसे लेवल थे सारों के, तो एक इनमें कॉन्करर का बंदा था और उनने पहले हमारा मुझे मार के खाता खोला, मैंने स्पॉट किया मारा, बट भाई ने जो है ना गंदा ही पेल दिया,
फिर हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं बाबा जी, अपने कमर में हमने बंदर लटका रखा है जिसने कैप्टन वाला हेल्ट पहन रखा है। फिर हमने एक नेड फेंका और नेड जाके फटेगा बम करके, फिर हम यहाँ पे लेट के दूसरे किल चुराएंगे अपने टीममेट का। और यहाँ पे हमारा किल चोरी होगा या नहीं? ओके हाँ जी बिल्कुल हमारा किल चोरी होगा, बदला ले लिया गया है। और फिर हम थोड़ा सा आगे कि गाइस यहाँ पे देखो, आए हाय 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 मज़ा आया ना गाइस, चुम्मी गीली गीली चुम्मी ले लो आप, यहाँ कितना मज़ा आया गाइस वो बताओ, अभी देखना और मज़ा आएगा आपको और मज़ा आया ना गाइस, पी रैंक हो गया, कितना गंदा बचा समय। और भाई साहब ने देख लिया कैसे आके देखो, ओए होए अनॉनिमस भैया यहाँ छुपे हो आप। और फिर उन्होंने हमारी बैंड बजा दी। और गाइस आपको लग रहा होगा कि कोई भी आसान नहीं है, ठीक है, सब अच्छा मार रहे हैं, कोई भी आसानी से नहीं मर रहा। तो मेरी वेस्ट यहाँ पे डैमेज हो रही थी और 16 किल तो 12 किल चल रहे थे जिसमें 7 मेरे थे। और फिर हमने एक और पीक ली, यहाँ पे हेल्प दिया और ये तो भाई अचानक से बस जंप कर दिया, मार देता ये बंदा ऑलमोस्ट। वेस्ट मेरी फिर से गाइस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी स्टेडियम में। फिर हम निकालेंगे एक नेट बाबा जी, और हमारा प्लान था कि नेट फेंकेंगे एनिमी के पिछवाड़े में और ठा करके फटेगा उनका पिछवाड़ा, जख्मी हो जाएगा, ठा करके फटा, बट उनका पिछवाड़ा जख्मी हुआ और मरे नहीं। और फिर रश होता है, हम जम करके वो बेचारा जब तक लाइक उसको रहा कि मैं जाके रश करूँगा, लेकिन उल्टा उस पर रश हो गया तो वो कन्फ्यूज़ हो गया काफ़ी ज़्यादा। फिर बाबा जी हमारा जो है ना वेस्ट उड़ चुका है, ऊपर भी हेलमेट पड़ा वेस्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ पर मैंने डैमेज दिया, हेड भी लगा भाई को और नींद वेद हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। 7 की लीड है हमारी, 9 किल मेरे हैं गाइस, 4 की स्ट्रीक जा रही है वेस्ट, जो मैं बार बार आपको याद दिला दूं कि हमारी वेस्ट टूट चुकी है। नेट फटा, इन भाई को तो हमने मार दिया लेकिन दूसरे भैया ने हमें मार दिया और ये भैया भी मर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी लीड बना रखी थी गाइस हमने, 6-3-9 की लीड थी, 10 किल मेरे थे, कॉन्करर वाले भैया पिट रहे थे और एक वाला टीममेट मर मर के जो है ना बेचारा लीव कर देता है। फिर से हमने नेट निकाला और वहाँ फेंका जहाँ वो ज़्यादा आग की टीपी पे ले रहे थे, लेकिन वहाँ नेट फटा नहीं। तो हम इस बार राइट साइड से जाते हैं, अपना पिछवाड़ा ज़मीन में घिसा और फिर आगे बढ़ते गए। यहाँ पे हमारी टीम में जो है वो थोड़े से खतरे में नज़र आए तो हमने उनको कवर दी पीछे से। उसके बाद बाबा जी हम और आगे बढ़ने के लिए भग लिए और हमारा पिछवाड़ा दोबारा ज़मीन पे घिसता हुआ आगे बढ़ा, हम यहाँ पे लेट गए। लेकिन भैया ने क्या तो मारा, नहीं कितनी जल्दी, क्या तो मारा, नहीं भाई क्या, शायद यही कॉन्करर का बंदा था मुझे नहीं पता, बट हाँ अच्छा मार रहा था ये। पिंग भी अच्छी आ रही थी गाइस, आपको लाइक वो आइडिया हो रहा होगा, भाई की पिंग अच्छी आ रही थी। और आपने देखा होगा लास्ट मैच में, एक मैच में मेरी भी अच्छी आ रही थी। वो ये सीन है गाइस के लाइक 50 में से एक मैच ऐसा आता है, लाइक बहुत ही रेयरली एक मैच ऐसा आता है जिसमें पाकिस्तान में कम पिंग शो होती है, लेकिन मुझे नहीं पता वो ग्लिच है या क्या है, बट हाँ सबकी होती होगी, आप लोगों की भी एक बार तो कमाई होगी ग्रीन वाली, मेरी भी आती है। और ये बेचारा लो था, हमने अपने टीममेट का किल चुराया, 31 किल्स 18 किल्स 12 हमारे हो चुके हैं और मैं भी 6 बार मारा हूँ गाइस, 12 किल है, 2 का फेडी है मेरा, 6 बार मैं भी मारा क्योंकि अच्छा मार रहे थे लोग। और फिर मैंने यहाँ पर डाउन किया, वापस से पीछे आएंगे यहाँ पे, फिर मैं एक और डाउन करूंगा। ओके भाई कहाँ भाग रहे हैं सर आप, कहाँ भाग रहे हैं सर आप, 6 बचे हैं गाइस और 14 किल हमारे। सर जी पीक लेके खड़े थे कार एंटर मारने के लिए, यहाँ पे हमने एक को मारा, दूसरे को मारने के लिए आगे रश कर रहे हैं, एकेएम निकाली, ये भाई को डाउन किया, अब ये भाई को डाउन किया, पिछवाड़ा ज़मीन में घिस के दोबारा से यहाँ पर आ गए, 3 बंदे बचे हैं, 17 किल्स 6 की स्ट्राइक जा रही है गाइस। ओके ये बंदा बच गया और ये किल हमारे टीममेट को मिल जाएगा, अच्छा मार रहा था हमारा नंबर 3 भी जो था ये भी अच्छा खेल रहा था, इसके पास M4 थी, ग्लेशियर अपडेट हुई थी, अपग्रेड हुई थी सारी की सारी, डैमेज इफेक्ट भी था भैया के पास। तो फिर हमने यहाँ पे फिर से हमारा किल चोरी हो गया, लेकिन हमने 17 किल्स के साथ एक अच्छी टीडीएम लॉबी में जो है वो हमने चिकन निकाला। तो गाइस जाइएगा मत अभी आपने मत जाना, आपसे एक छोटा सा काम है गाइस, कल ना आखिरी जुम्मा था रमज़ान का, रमज़ान करीम जा रहा है हमें छोड़ के, आखिरी जुम्मा था, तो उसके बाद पूरा एक साल बाद आएगा, नहीं मालूम हम इतने टाइम तक ज़िंदा रहें, मैं रहूँ ना रहूँ, आप लोग रहें ना रहें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता गाइस। तो सबके सब मिल के प्लीज़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और नबी पाक के लिए हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, हमें कसरत से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप लोग भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो की एंडिंग करेंगे। ओके गाइज मैंने पढ़ लिया, उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो गाइज वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, मेरी कोई बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना दिल से अनॉनिमस की पब्लिक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, हमारे 70K फैमिली होने वाली है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना,
और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अनॉनिमस के पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।